दो साल पहले की बात है, दिसंबर का ही महीना था और एक सुबह जब पाकिस्तान के एक सबसे महत्वपूर्ण जनरल दुबई के एक होटल में एक ऐसे शख्स से मिलने पहुंचे जिस पर सेना ने कभी राजद्रोह का आरोप लगाया था। बैठक के बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों की माने तो पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और पूर्व स्पाई मास्टर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद ने इस मीटिंग की शुरुआत की थी और जिस शख्स से दोनों मिले उस शख्स का नाम था हुसैन हक्कानी। राजनयिक और स्कॉलर हुसैन हक्कानी भारत और अमेरिका के साथ इस्लामाबाद के संबंधों को सुधार सकते हैं। बैठक में तो कुछ नहीं, लेकिन अब खुलासे के बाद पाकिस्तान जल रहा है और इसका खुलासा किया है पीटीआई ने। ये वही पीटीआई है जिसने सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, खबरों की माने तो पूर्व मंत्री ने जनरल बाजवा पर सत्ता परिवर्तन की साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा है कि जनरल ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सरकार को कमजोर करने के लिए हक्कानी को भुगतान किया था। खेल को उजागर करने वाली महिला का नाम है शिरीन मजारी। मजारी के आरोपों के साक्ष्य यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत दायर दस्तावेजों में निहित है, जिसमें विदेशी संस्थाओं की ओर से लॉबिंग का खुलासा न करने पर कठोर दंड का प्रावधान है। दस्तावेजों से पता चलता है कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अफसर रॉबर्ट ड्रेनियर ने रिसर्च करने के लिए हक्कानी को दो भुगतान किए थे। बस इसी बात से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है और इमरान खान की पार्टी बाजवा पर बड़ा आरोप लगा रही है। बाजवा चुप है और फैज सेना से इस्तीफा लगा चुके हैं। फैज को बाजवा के बाद सेना का चीफ बनना था, लेकिन शरीफ सरकार ने उनकी जगह मुनीर को सेना प्रमुख बना दिया था। ये वही हामिद फैज हैं जो इमरान खान की सलाह पर तालिबान के साथ चाय पीने काबुल पहुंचे थे और तालिबान को सत्ता पर कब्जा किए दो दिन हुए थे। खैर, देश की सेना पर सिविल नियंत्रण सुनिश्चित करने में कथित भूमिका के कारण 2011 में अमेरिका में पाकिस्तानी राजदूत के पद से हक्कानी को इस्तीफा देना पड़ा था। आज उसी हक्कानी से बाजवा हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि भारत से दोस्ती करवा दो, और जब खुलासा हुआ है तो पूरे पाकिस्तान में आग लग गई। हर तरफ बाजवा की आलोचना हो रही। वहीं पीटीआई हक्कानी को जो धन मिलने का खुलासा हुआ है उसका इस्तेमाल ये बात फैलाने के लिए कर रही है कि इमरान सरकार गिरने के पीछे अमेरिका का हाथ है। हालांकि FARA रिकॉर्ड दिखाते हैं कि ग्रेनियर को इमरान खान के एक प्रमुख सहयोगी ने काम पर रखा था, लेकिन इस बात की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के कट्टर आलोचक को पैसे क्यों दिए। अब उसी बात को लेकर हुसैन हक्कानी का बयान आया है और उनका कहना है कि किसी ने कहीं की बात कहीं और जोड़ दी है। कुछ दोस्तों और सैन्य सेवाएं दे रहे पारिवारिक सदस्यों के अलावा मेरा पाकिस्तानी सेना के साथ कोई संबंध नहीं है। ये देखते हुए कि मुझे सालों से पाकिस्तान विरोधी और सेना विरोधी होने के कारण बदनाम किया जाता रहा है, ये सवाल तो सेना से पूछा जाना चाहिए कि क्या तत्कालीन सेना प्रमुख ने मुझसे मुलाकात की थी। लेकिन इस घटना को काफी लोग बेबुनियाद बता रहे हैं, क्योंकि जानकारों की माने तो सत्ता परिवर्तन की साजिश के लिए हक्कानी को जिस रकम का भुगतान का दावा किया जा रहा है वो बहुत छोटी है। वैसे भी हक्कानी और उनकी पत्नी राजनेता फरहनाज इस्पहानी को काफी धनवान माना जाता है। प्रॉपर्टी वेबसाइटों के मुताबिक उनके वॉशिंगटन स्थित घर की कीमत 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, तो ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। ऐसे में हक्कानी अगर हाथ डालते तो एक बड़ी रकम की मांग करते, ना कि एक छोटी रकम की। अब देखना होगा कि आगे ये मामला कितना तूल पकड़ता है।